पश्चिम बंगाल के परुलिया में इलाके में शारीरिक रूप से विशेष सक्षम बच्चों को नियमित रूप से स्कूल की ओर आने के लिए प्रशासन द्वारा सराहनीय कदम उठाया गया है। इन बच्चों को सरकार द्वारा व्हीलचेयर दिया जा रहा है ताकि ये बच्चे सामान्य बच्चों की तरह पढ़ने के लिए स्कूल आ सकें। व्हीलचेयर बांटने का कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे सर्व शिक्षा मिशन के अंतर्गत चलाया जा रहा है। मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव इज टू एम्पावर द स्टूडेंट टू रेगुलराइज द स्टूडेंट टू रिटेन द स्टूडेंट हु आर इन मेंटली फिजिकली चैलेंज रिटेन देम इन स्कूल मेक देम नॉर्मल एज यूजुअल स्टूडेंट। प्रशासन की इस पहल से बच्चे और बच्चों के माता पिता खासी उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनके बच्चों को आत्मनिर्भर बनने में काफी मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्कूलों में करीब 18,000 शारीरिक रूप से विशेष सक्षम बच्चे पढ़ते हैं। अगर इस तरह के कार्यक्रम बड़े पैमाने पर किया जाए तो कमजोर तबके के बच्चों को काफी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।